की वचन 15 अध्याय का 3 वचन, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। इसका मतलब परमेश्वर हमें देखने की बातें हमेशा याद रखना है, तभी जो है पाप पर विजय होगा, पाप से सुरक्षित रहेंगे। परमेश्वर मुझे देख रहा है, इस भावना अगर नहीं है तो बहुत लोग हिम्मत से पाप करते हैं। बाइबल पढ़ के देखिएगा, भक्त लोग इसी भावना से रहते थे, इसलिए वे पाप पर विजय पाए, पवित्र जीवन जिए। भक्त दाऊद कहता है भजन 16 का 8 में, मैं परमेश्वर को हमेशा सामने रखा हूं, वो मुझे देख रहा है, इसी भावना हमेशा मेरे अंदर है। यही दाऊद का स्टेटमेंट है। यूसुफ को 2 बार गड्ढे में डाले थे। पहले उत्पत्ति 37 अध्याय का 24 वचन में देखिए, बाहियों ने गड्ढे में डाल दिया, नफरत और जलन के कारण से गड्ढे में उन्हें डाल दिया। उससे बड़ा खतरा था पुतिबार का दूसरा गड्ढा। नीति वचन 24 के 27 को देखिएगा, वो अधलोक का गड्ढा है, वो अभिलाषा उसी गड्ढा से, पहले जो गड्ढा से डाला था ना पोतीबार का घर का जो अभिलाषा गड्ढा, वो बड़ा है, वहां से वो भाग गया था। वहां भागने का मतलब हारा नहीं है, कभी कभी तो भागना है, लेकिन परमेश्वर जिस स्थान में रखा है उस स्थान में खड़े होके परमेश्वर को काम करना वो सुरवीर है। लेकिन जहां भागना चाहिए वहां तो आपको जरूर भागना होगा। लगता है संसार की नजर में हम हार गए हैं। यूसुफ के इतिहास को देखिए, वो कपड़े को खोया लेकिन अपने चरित्र को नहीं खोया। वो कहता है मैं जेल में जाने से भी कोई बात नहीं, मेरा वस्त्र खो जाने से कोई बात नहीं, लेकिन अपने चरित्र को नहीं खोऊंगा। चरित्र में जीवन है। मेरे भाई बहनों से कहते हैं चरित्र को नहीं कोना है, चरित्र को कोने से जीवन बिताने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए सेल्फ कंट्रोल रखना है, पाप के बिना अपने आप को सुरक्षित रखना है। परमेश्वर देख रहा है, ये भावना रखना है। किसके अंदर ये भावना आएगा? जो पुनः जन्म हुआ है उसी को ये भावना आएगा। जो यीशु के लहू से धोया हुआ वो पाप नहीं करेगा। इसका कारण ये है, वो पुराना मनुष्य के लिए मर जाता है, अभिलाषा को क्रूस पर मार देता है। वही मनुष्य नए मनुष्य पुराने पाप से दूर रहता है, इसलिए वो पाप नहीं करेगा। किसके अंदर नया जन्म होने की भावना है? अगर ये भावना नहीं है तो आपका उद्धार प्रसन्न का लायक है। इसलिए परमेश्वर मुझे देख रहा है, इसी भावना में, पवित्रता में, इस संसार में पवित्र जीवन जीने के लिए हमें अर्पण करना है। परमेश्वर का आगमन कभी भी हो सकता है, अर्पण करना है। हालेलुया, हालेलुया।